Assalamualaikum students, I am Nasir Jamal from Akhuwat College University. Our today's topic is China's Way to Progress and it is written by Galeazzo Centini. In this essay, Galeazzo Centini provides us the secret behind China's remarkable progress since independence in 1949. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता चल गया कि चाइना ने पाकिस्तान से दो साल बाद आज़ादी हासिल की है 1949 में. इस मजमून के अंदर Galeazzo Centini ने चाइना की जो इतनी शानदार तरक्की हुई है उसके क्या राज हैं, किस तरीके से चाइना ने तरक्की की है, हम इसे इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि व्हाई हैज द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना. दुनिया ने चाइना के मुतालिक अपना रवैया क्यों तब्दील कर लिया है. तो इसका क्वेश्चन आंसर ये है, द वर्ल्ड हैज चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस In 1949, China made immense progress in social, agricultural, and industrial fields. दुनिया ने अपना रवैया जो है वो चाइना के मुतालिक तब्दील किया 1949 में आज़ादी हासिल करने के बाद. चाइना ने बहुत जल्दी तरक्की की और चाइना ने सोशल यानी सामाजिक तौर पर, एग्रीकल्चरल यानी ज़री तौर पर और इंडस्ट्रियल यानी सनती तौर पर बेशुमार तरक्की हासिल की. चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड. चाइना दुनिया में एक फैशन बन चुका है. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आजकल हर चीज़ हमें चाइनीज़ मिल रही है. बाज़ार में चले जाएं, मोबाइल ख़रीदने चले जाएं, LED ख़रीदने चले जाएं, तो हर चीज़ चाइनीज़ आ रही है. एंड इन नो अनसर्टन टाइम्स, इसका मतलब यह है बड़े ही थोड़े वक्त में, सॉरी. सो एवरीवेयर पॉलिटिशियंस ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव एंड बोर्जियस काइंड आर अटेम्प्टिंग टू रीबिल्ड फॉर themselves अ कंप्रोमाइज्ड करियर बाय साइनिंग द प्रेजिज ऑफ माओ ज़ेडुंग. तो जैसा कि मैं बता रहा था कि दुनिया ने जो है वो फौरी तौर पर चाइना को कबूल करना शुरू कर दिया, तस्लीम करना शुरू कर दिया. हर जगह सियासतदान जो थे चाइना के अंदर या चाइना से बाहर दुनिया के ममालक में, वो चाहे कंजर्वेटिव थे या बोर्जियस थे, यानी इसका मतलब ये होता है पुराने ख्यालात के हामिल, दरमियाने तबके के, वो सब ये कोशिश कर रहे थे कि चाइना के सदर जो माओ ज़ेडुंग हैं, यानी जिन्होंने नए चाइना की बुनियाद रखी है, उनका नाम माओ ज़ेडुंग है. आप माओ ज़ेडुंग को बेटा बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग कायदे आज़म की कदर करते हैं, वो लोग ऐसे ही माओ ज़ेडुंग की कदर करते हैं. तो वो माओ ज़ेडुंग के साथ साइन करना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है, डिस्कस चाइनीज एग्रीकल्चरल सिस्टम, चाइना का जो ज़रई निज़ाम है यानी ज़राअत का निज़ाम, उसे बयान कीजिए. In China, agricultural land has been divided into small sectors known as communes. China में ज़री ज़मीन को छोटे sectors में तकसीम किया गया है, जिस हर एक sector को हम commune कहते हैं. और communes में तकसीम करने का ये अंदाज़ communism कहलाता है. स्टूडेंट्स कम्युनिज्म की तारीफ और इसकी डिटेल मैं आपको आखिरी स्लाइड में बताऊंगा ताकि आप कम्युनिज्म की जो डेफिनेशन है उससे क्लैरिटी हासिल कर पाएं, क्योंकि चाइना जो है ये कम्युनिस्ट निज़ाम पे चलता है. ये जो कम्युन्स हैं आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्रोडक्शन ब्रिगेड्स. इन कम्युन्स को फिर जो है मज़ीद प्रोडक्शन ब्रिगेड्स में तकसीम किया गया. द चाइनीज स्टिल कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल लेबर along with modern styles. तो चाइना वाले जो हैं ये अभी भी अपने रवायती ज़री तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ
जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ज़राअत के लिए उसको भी इस्तेमाल करते हैं। एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट, एक मिसाली समाजी तजुर्बा। When confronting the enigma of the Chinese planet, जब आप चीनी सियारे के मुअम्मे का सामना करते हैं, बेटे इस जुमले से मुराद ये है, एनिग्मा से मुराद है ऐसी चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त हो और जिसने फौरी तौर पर तरक्की हासिल कर रही हो या जिसने सबको हैरान कर दिया। तो एनिग्मा एक पॉजिटिव सेंस में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। While confronting the enigma of the Chinese planet, यानी चाइना की जो तरक्की है, चीनी सियारे की जो तरक्की है, चीनी हिस्से की जो तरक्की है, उसका उसका सामना करते वक्त टू मैनी वेस्टर्नर्स, मगरबी ममालिक जो हैं, मगरब के रहने वाले, वो जो हैं क्या है, हैव फॉरगॉटन द एशियाटिक बैकग्राउंड एंड पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री। वो ये बात भूल जाते हैं कि एशिया के ममालिक ने कितना तकलीफ दे और दर्दनाक कॉलोनियल कब्जे से जान छुड़ाई। कॉलोनियल कब्जे से जान छुड़ाने से मुराद ये है कि यहाँ इंग्लैंड बहुत देर तक हुकूमत करता रहा है और कॉलोनियलिज्म के साए तले जो है कई एशियाई ममालिक जो हैं वो कॉलोनियलिज्म के साए तले पड़े बड़े, लेकिन सब ने ही तकरीबन कॉलोनियलिज्म से जान छुड़ाई है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया ने 1947 में और चाइना 1949 में आज़ादी हासिल की। बट वेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर इन 1949, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जब 1949 में हुकूमत में आई, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द कंट्री कैरिड ऑन एज इट हैड बीन डूइंग फॉर द पास्ट 2000 ईयर्स इन एन अर्ली आयरन एज इकोनॉमी। तो इससे मुराद ये है कि 1949 में मुल्क की जो ज़्यादा अक्सरियत थी उन्होंने भी वही काम किया जो 2000 साल पहले यानी लोहे के ज़माने में लोग जिस तरह से काम करते थे उन्होंने भी उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि तब के लोग बड़े मेहनती होते थे। मुराद इस जुमले से ये है कि चाइनीज़ लोगों ने, चीन में रहने वाले लोगों ने और चीन के जो लीडर्स थे उन्होंने मेहनत करने की तरगीब दिलाई। आयरन एज इकॉनमी से मुराद बिल्कुल यही बात है कि जिस तरह पुराने दौर में इंसान जो है वो मेहनत करता था, सेम इसी तरह जो है वो चाइना वालों ने अपना तरीका अपनाया। एंड ऑन काउंटलेस ओकेजंस, और कई मौके पर, ड्यूरिंग आर विजिट्स टू द एग्रीकल्चरल कम्यून्स वी वर प्राउडली टोल्ड। तो ग्लीजो सेंटनी कहता है कि जब भी हम चाइना के ज़री इलाकों की सैर करने के लिए जाते थे तो चाइना वाले बड़े फ़ख्र से हमें बताते थे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ग्लीजो सेंटनी कहता है कि चाइना वाले उनसे ये बात करते थे, हेयर वी डिडंट इवन हैव द लाइफ ऑफ द ऑक्सन एंड हॉर्सेस, यहाँ हम सिर्फ बैलों और घोड़ों की ज़िंदगी नहीं जीते। इससे मुराद ये है कि कॉलोनियलिज्म में चीनियों को और एशियाई लोगों को सिर्फ जो है वो मज़दूर बना के रखा जाता था। तो उसने ये बताया कि यहाँ हम अपने लिए मजदूरी करते हैं, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, ये हमारे लिए प्राइड की बात है। कंपेयर टू चाइना इन 1949, रशिया इन 1917 डिड नॉट हैव द ग्रिम इनहेरिटेंस ऑफ अ सेंचुरी ऑफ अ शैटरिंग मल्टी कॉलोनियल एक्सपीरियंस। तो चाइना और रूस को कंपेयर करते हुए कहता है कि चाइना के पास उतने वसाइल बिल्कुल नहीं थे जितने रूस के पास किसी दौर में हुआ करते थे और उसने विरासत में हासिल किए थे। स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज चाइना रिलाई ऑन इट्स ओन रिसोर्सिस, चाइना अपने ज़राए पे कैसे इन्हसार करता है। ये बड़ी अहम बात है। चाइना रिलाइज ऑन इट्स ओन रिसोर्सिस बाई यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मशीन्स प्रिपेयर्ड इन चाइना। चाइना अपने ज़राए पे इन्हसार करता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो चाइना के अंदर ही तैयार होने वाली मशीनें और चाइना के अंदर ही तैयार होने वाली जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो उन्हीं को इस्तेमाल करता है। सच प्रोडक्ट्स एंड मशीन्स आर इजीली अवेलेबल, ये जो प्रोडक्ट्स और मशीनें हैं वो आसानी से और सस्ती दस्तियाब हो जाती हैं। दे आर चीपर दैन फॉरन मशीन्स एंड फॉरन प्रोडक्ट्स।
तो चाइना के अंदर जो घर की बनाई हुई चीज़ें हैं, जब इंसान वो इस्तेमाल करता है तो वो सस्ती मिल जाती हैं। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ यहाँ बयान की गई है वो है, फॉर 20 ईयर्स चाइना ले फॉरगॉटन। 20 साल तक तो चाइना को लोग बुलाए बैठे, यानी 1949 में आज़ादी के बाद जो पहले 20 साल थे वो लोगों ने कोई इतनी ज़्यादा जो है वो उसमें चाइना को अहमियत नहीं दी। एंड वॉज इवन कन्फ्यूज विद द स्मॉल आईलैंड वन ऑफ इट्स प्रोविंसेस। तो वो चाइना को एक छोटे से सूबे के साथ गड़बड़ करते थे कि शायद ये एक छोटा सा सूबा है। एंड द फ्लेक्सीबल चाइनीज बैम्बू, अच्छा चाइना के बांस जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। फ्लेक्सीबल से मुराद है लचकदार। आपने चाइना की फिल्में भी देखी होंगी, जिनमें ये जो सबसे मशहूर फिल्म जो है वो हिडन ड्रैगन और क्रचिंग टाइगर है, जिसमें बैम्बूज के अंदर जो है वो ज़्यादा मूवी बनी है। देखने वाली मूवी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हिडन ड्रैगन, क्रचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, बड़ी अच्छी मूवी है। उसमें बैम्बूज में फाइट वगैरह, फाइट एक्शन जो सीन्स हैं वो बैम्बूज पे होते हैं। तो बैम्बू कर्टन की यहाँ पे बात हो रही है। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा गला ख़राब है तो आप लोगों ने बिल्कुल माइंड नहीं करना इस चीज़ को। सो चाइनीज बैम्बू कर्टन वॉज काउंटर्ड बाय अ वेस्टर्न कर्टन ऑफ रिजर्ड डिसरिगार्ड। बेटे इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे चाइना वालों ने अपने गिर्द एक बांसों का लचकदार दायरा, घेरा, हिसार कायम कर रखा था, इसी तरह जो मगरबी ममालक हैं उन्होंने भी चाइना के गिर्द एक बड़ा सख्त रवैये का हिसार कायम कर रखा था। देन सडनली दैट 1/4 ऑफ मैनकाइंड, चूँकि चाइना पूरी आबादी जो है, पूरी इंसानियत है, इसका एक चौथाई हिस्सा बन गई, इनक्लोज्ड इन द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, इसको दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क करार दिया गया, वॉज ब्रॉट आउट ऑफ द मेमोरी एटिक विद लाउड बैंग, और इसे जोरदार तरीके से यादों के हिसार से बाहर निकाला गया। इस बात से मुराद ये बटे कि चाइना को 20 साल के अंदर अंदर चाइना ने बेशुमार तरक्की की, और उसके बाद जो मगरबी ममालक थे उन्होंने चाइना का ये हिसार तोड़ा और चाइना के साथ जो है वो तअल्लुकात कायम करना शुरू किए। द चाइनीज मे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ स्माइल पॉलिसी, तो चाइना वाले हर किसी से मुस्करा के मिलते, बट द ऑक्सीडेंटल्स, ऑक्सीडेंटल्स बेटा मगरबी ममालक को कहा गया है, ये वो लोग हैं जो एक्सप्लॉयट करते थे लोगों को, इसलिए इनके लिए ऑक्सीडेंटल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। द ऑक्सीडेंटल सर्टनली लॉन्च द वार्म हग, ये ऑक्सीडेंटल जो हैं ये अपनी मोनोपोली में होते थे, अपने अलावा किसी और की हुकूमत नहीं देख सकते थे, लेकिन आखिरकार इन्हें भी चाइना की इकोनॉमी को मानना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइनीज स्टूडेंट, एक चीनी तालबे इल्म की जिंदगी का एक दिन बयान कीजिए। जी वेन स्यू, ये स्टूडेंट का नाम है, शी रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स इन चाइना, तो चाइना के स्टूडेंट्स किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अभी हम। तो कहते हैं कि वो जो स्टूडेंट है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठती है, डज सम डोमेस्टिक कोर्स, कुछ घर के काम करती है, टेक्स ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करती है, एंड गोज टू द स्कूल, स्कूल चली जाती है। एट 8 आफ्टर 11 AM, 11 बजे के बाद शी कम्स बैक होम, वो थोड़ी देर के लिए घर वापस आती है, टेक्स हर लंच, लंच करती है, एंड गोज बैक टू द स्कूल, और फिर दोबारा स्कूल वापस चले जाते। शी एंड रिवाइज हर लेसन्स, वो अपने लेसन्स को रिवाइज करती है। आफ्टर 4 o'clock, 4 बजे के बाद ही शी टेक्स रेस्ट एंड रीड्स द बुक्स, वो किताबें पढ़ती है और घर वापस आ जाती है। हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड वट डू दे थिंक इंडिविजुअली डिस्पाइक हैविंग टू यूज एन इंटरप्रेटर, ग्लेजियस एंटनी का कहना यह है कि मुझे चीनी जुबान को समझने के लिए अपने साथ एक तर्जमा करने वाले को ले जाना पड़ा। आई वॉज एबल टू फाइंड आउट, तो फिर मुझे कुछ बात समझ आई। हेयर इज द रिजल्ट ऑफ माई इंटरव्यू विद जे वन स्यू, अ 16-year-old गर्ल। तो मैंने इंटरव्यू किया जे वन स्यू के साथ, जिसकी उम्र 16 साल थी, हु लिव्स इन द वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेंगपू एट शंघाई, जो शंघाई के इलाके पेंगपू में रहती।
शी इज़ अ प्यूपल इन क्लास 3 एट द जूनियर स्कूल. जूनियर स्कूल में वो पढ़ती है. शी विल शॉर्टली बी टेकिंग हर डिप्लोमा. उसके बाद उसे डिप्लोमा मिल जाएगा. तो मैंने उससे सवाल पूछा, हाउ डू यू स्पेंड योर डे, भाई तुम अपना काम कैसे करती हो, दिन कैसे गुजारती हो. तो उसने कहा कि आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, डू अ फ्यू कोर्स इन द हाउस, हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल एट 8, आई फिनिश एट 11 o'clock, गो होम एंड हैव लंच एट 1:30. तकरीबन 1:30 पे आई एम बैक एट स्कूल अगेन. मैं दोबारा स्कूल पहुंच जाती हूँ अनटिल 3 o'clock. 3 बजे तक फिर मैं स्कूल में रहती हूँ. देन आई गो बैक होम एंड वर्क. फिर मैं घर चली जाती हूँ और काम करती हूँ. हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन होमवर्क एट होम. फिर वो ग्लेजो सेंटनी सवाल पूछता है कि तुम फिर अपना टाइम होमवर्क कैसे करती हो. तो वो कहती है, वेल एक्चुअली आई डू माई होमवर्क एट स्कूल, कि मैं स्कूल में ही अपना होमवर्क कर लेती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज राइट नोट ऑन द चाइनीज वुमन. चीनी खवातीन पर एक नोट लिखिए. तो चाइनीज वुमन आर हार्ड वर्किंग. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपकी करेक्शन करना चाहता हूँ. अक्सर स्टूडेंट्स इसको वो मैन पढ़ते हैं, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन है विमन. चूंकि ये प्लूरल है तो इसलिए हम इसे विमन पढ़ेंगे. अगर ये सिंगुलर होता जो लिखा होता है वो मैन, तो उसे हम बेटा पढ़ते वुमन. सिंगुलर जब भी होगा तो हम पढ़ेंगे वुमन, और जब भी प्लूरल होगा हम उसे पढ़ेंगे विमन. सो चाइनीज विमन आर हार्ड वर्किंग. चीनी खवातीन जो हैं वो बहुत मेहनती हैं. दे लैक फेमिनिटी. फेमिनिटी कहते हैं बेटे निस्वानियत को. दे डू नॉट यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते. दे इंजॉय मैनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. वो कई सोशल सिक्योरिटी के फ़ायदे हासिल करती हैं. दे इंजॉय फ्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज. उनके लिए हॉस्पिटल और तिब्बी जो सहूलियात हैं ये बिल्कुल मुख्तलफ है. स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि चाइना जो है वो ख़वातीन को घर में नहीं बिठाते. वो बहुत मॉडर्न है इस मामले में. उनकी सोच बहुत पॉजिटिव है. सॉरी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आज हमारा ये सिलेबस टॉपिक था. सो बेटे ख़वातीन की बात हो रही है. उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है और मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं. From a western angle, there is a lack of femininity in the Chinese woman. इस बात से मुराद ये बेटे कि जो मगरबी ममालक हैं या जो दूसरे ममालक हैं, ये लोग ब्यूटी कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इन्हें सेक्शुअल प्लेयर जो है इसमें ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वेस्टर्न ममालक. लेकिन चाइनीज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं. चाइनीज़ को जो है ये बिल्कुल सेक्शुअल लस्ट नहीं है, उन्हें कोई हवस नहीं है. इसलिए इनमें निस्वानियत की कमी है, क्योंकि ये बचपन से ही इन्हें टेक्नोलॉजी के लिए सिखाया जाता है. नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नो मेंशन ऑफ सेक्स आइदर इन फिल्म्स और लिटरेचर. इनकी फिल्में या लिटरेचर देख लें आप, इनकी एक्शन फिल्में देखेंगे. जैसे बड़ा मशहूर जो फिल्म एक्ट्रेस था जैकी चन, तो इनकी आप स्टोरीज देख लें तो कोई हमें सेक्सुअल प्लेयर नहीं मिलती, एक्शन मिलता है. इन द लैंड ऑफ ओपियम ड्रग्स आर नॉन एग्जिस्टेंस. इस ज़मीन में मनशियात बिल्कुल नहीं है. माओ सेज, माओ ये कहता है दैट विमन होल्ड अप हाफ द स्काई, एंड कि ख्वातीन जो हैं ये आधा आसमान हैं. एंड विमन फॉर द पार्ट, और जहाँ तक विमन की बात है, आर डिटरमिन्ड टू कीप देयर हाफ रेज्ड एट द सेम हाइट एज दैट हेल्ड अप मेन. और ख्वातीन के अंदर ये शऊर मौजूद है कि वो मर्दों से पीछे नहीं हटना चाहते. जिस तरह मर्दों का आधा हिस्सा है, इसी तरह इस आधे हिस्से पर ख्वातीन का हिस्सा है. आई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द चाइनीज वर्कर्स. चीनी मजदूर जो हैं उनको क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं. वर्कर्स इन चाइना इंजॉय कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. चाइना के जो कारकुन हैं, चाइना के जो मजदूर हैं, वो मुकम्मल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हासिल करते हैं. इट मीन्स द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्फर्ट्स एंड नीड्स इन सोसाइटी. इसका मतलब ये है कि जो रियासतें हैं वही इन मजदूरों की सेहत के लिए और दूसरे मुआशी फ़वाद की जिम्मेदार है.
दे आर प्रोवाइडेड हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। इन मज़दूरों को घर भी मुहैया किया जाता है और तिब्बी सहूलियात भी मुहैया किया जाता है, और ये हुकूमत मुहैया करती है। हर सूबे की अपनी कम्यून है, हर सूबे की कम्यून्स हैं और हर सूबे की अपनी मैनेजमेंट है, एक सूबा दूसरे सूबे में मुदाखलत नहीं करता। सो दे इंजॉय ईजी टर्म्स ऑफ सर्विस इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों में भी वो बड़ी आसानी से काम करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। एट द फैसिलिटी ऑफ असिस्टेंस स्कीम्स, और उनके लिए मुख्तलफ इमदादी स्कीम जो हैं वो कायम की गई। अगर हम देखते हैं, द मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑफिशियली कैलकुलेटेड फॉर एवरी रीजन ऑफ द कंट्री। ये बड़ी अहम बात है स्टूडेंट्स, मुल्क के हर इलाके के लिए ऑफिशियली तौर पर एक मजदूर की मंथली कॉस्ट को काउंट किया जाता है, फिर एक कम्यून की मंथली कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है इन पैकिंग। पैकिंग के अंदर जो कि चाइना का शहर है, चाइना का सिटी है, फॉर एग्जांपल इट वाज रिसेंटली कोटेड 12 to 14 yen अ मंथ, ये बनते हैं 4.80 to 5.6 dollars, ऑफ विच 10 गो टुवर्ड्स बोर्ड एंड 3 to 4 फॉर रेंट इन स्टेट अपार्टमेंट्स। ये बेटे कुछ मौशी कैलकुलेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि ये ऐसे जो है ग्लेजो सेंटनी का, ये आज से तकरीबन 55 साल पहले लिखा गया है, बिफोर 55 years back, तो ये उसी हिसाब से इसमें डाटा ऐड किया गया है। आज तो अगर हम देखें तो इस डाटे में कई तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तब्दीली आई है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। कहाँ किसी दौर में 2G का भी तसव्वुर नहीं था और आज हम 5G 6G के तसव्वुर में जी रहे हैं। तो इसलिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब ये ऐसे लिखा गया, ये 50 से 60 साल इस ऐसे को हो चुके हैं लिखे हुए, तो अब ज़ाहिर है ट्रेंड चेंज हो चुका है और ये जो कैलकुलेशन भी है ये चेंज हो चुकी है। तो ये कैलकुलेशन अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में भी ये सवाल कभी नहीं आया कि ये वाली कैलकुलेशन बयान करें, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। मैनी वर्कर्स आर आल्सो हाउस्ड विद इन द फैक्ट्रीज। कई मुलाजमों को, कई वर्करों को जो है वो फैक्ट्रियों के साथ घर दिए जाते हैं। इन द एग्रीकल्चरल कम्यून्स हाउसिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री। जहाँ ज़रात होती है वहाँ घरों का कोई किराया नहीं लिया जाता, वहाँ वो फ्री रहते हैं। सर्टन स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज सिनेमा, थिएटर, हेयर कट्स एंड वर्क ओवरऑल आर ऑल्सो समटाइम्स नॉन एग्जिस्टेंस। और अक्सर ये होता है कि बाल काटने के पैसे भी नहीं लिए जाते, सिनेमा भी समटाइम्स फ्री है, और ओवरऑल जो है वो आप यूँ समझे कि वो फ्री ही रहते हैं। सबसे अहम लाइन एंड पे लिखी हुई है, ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज़ इंटायरली फ्री। ये बड़ी अहम बात है, सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और तमाम तिबी और हस्पताल का जितना भी इलाज है वो बिल्कुल फ्री करार दिया गया है। ये बेटे माउजे तुंग की तस्वीर ये लगाई गई है लेफ्ट साइड पर, अगर आप देखें जो चाइना का सबसे बड़ा लीडर था, कुछ इसकी स्टेटमेंट भी हम बयान कर रहे हैं अभी। कहता है इट इज़ द पीपल एंड नॉट द थिंग्स दैट आर डिसाइसिव। ये बड़ा अहम सवाल है, समझने वाला है कि ये लोग होते हैं बेटे और ये चीज़ें नहीं होती जो फैसला कुन होती हैं, लोग फैसला कुन होते हैं, चीज़ों से कुछ नहीं होता। बेटे इस चीज़ से मुराद ये बताई गई है, ग्लेजो सेंटनी कहता है कि लोगों का जो रवैया होता है तरक्की के लिए वो सबसे अहम है। चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, चीज़ों से खुशियाँ नहीं आती, खुशियाँ और तरक्की आती है लोगों के रवैये से। तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें, ये बड़ी अहम बात है। जहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के मुताबिक देर आर टू वर्ल्ड्स, दो किस्म की दुनियाएं होती हैं। एक है वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स, एक हकाइक की दुनिया है, एंड फिगर्स और अदादो शुमार की दुनिया है, एंड द अदर इज़ द वर्ल्ड ऑफ फेथ। और जबकि दूसरी दुनिया जो है वो ईमान की दुनिया है, वो यकीन की दुनिया है, वो एतमाद की दुनिया है। सबसे अहम लाइन है, तो ये आपने जहन में रखना है कि कौन सी दो दुनियाएं ग्लेजो सेंटनी ने बयान की हैं। वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड द अदर वन इज द वर्ल्ड ऑफ फेथ। माओ द चाइनीज लीडर बिलीव्ड दैट द नंबर ऑफ पीपल आर इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स डज नॉट काउंट। ये जो मुआशी अदादो शुमार हैं ये काउंट नहीं करते, पीपल देमसेल्व्स आर इंपॉर्टेंट, लोग अहम हैं। इफ़ दे हैव द फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, अगर
लोगों के फ़ायदे के लिए, लोग खुद अपने फ़ायदे के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए, अगर उनके अंदर एतमाद है, भरोसा है, तो लोग डिसाइसिव हैं, क्योंकि वही दुनिया का धारा बदल सकते हैं जैसा कि चाइना वालों ने मजमूई तौर पर किया। तो मौज़े तुंग का ये बड़ा मशहूर बयान है, ऑल पोलिटिकल पावर कम्स फ्राम द बैरल ऑफ ए गन। तो मौज़े तुंग की ये स्टेटमेंट बहुत बहुत ही जो है वो गंभीर है, ज़रा थोड़ी सी समझने के काबिल है, लेकिन ये मौज़े तुंग का ही कारनामा है स्टूडेंट्स, कि उसने आज नए चाइना का एक्सपीरियंस बयान किया है। ये अगली चीज़ पढ़ते हैं, चूँकि इकोनॉमी की बात हो रही है, तो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है इनकी। यानी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से मुराद ये बेटा कि बेटे के हर सूबे का, हर कम्यून का अपना अपना सेंटर है। ये सारे के सारे सदर को जाके पैसे नहीं पकड़ा देते, ये नहीं जी ये हमारे पैसे हैं, जैसे पाकिस्तान में सिस्टम चलता है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको पढ़ते हैं, द जाइगेंटिक बड़ा अजीम चाइनीज सोशल एक्सपेरिमेंट डजंट ओनली कंसर्न एशिया हाउएवर बट द वेस्ट टू, नॉट ओनली कंसर्न एशिया हाउएवर बट द वेस्ट टू विच हैज ऑलवेज क्लेम्ड टू हैव फाउंड द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन। स्टूडेंट मैं बड़ी अहम बात आपसे करने जा रहा हूँ, ये जितने वेस्टर्न ममालिक हैं ये समझते हैं कि बस वी आर द फादर ऑफ द वर्ल्ड, और ये अपने आप को सिविलाइज समझते हैं, कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है ये हमारी तरफ शुरू हुई है, एशियाई ममालिक को तो ये कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन चाइना ने इनका ये तजुर्बा गलत साबित किया। वेस्ट जितना था ये समझता था कि सिविलाइजेशन हमारे पास है, इंसानी प्रॉब्लम सिर्फ हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एशियाई ममालिक ने, ज़ाहिर है इंक्लूडिंग चाइना, इस बात को गलत साबित कर दिया। फॉर ईयर्स द चाइनीज हैव बीन स्ट्राइविंग टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज, चीनियों ने दुनिया को कोशिश करके ये बावर करा दिया है, दाउ देयर ऑफिशियल इंटरप्रेटर एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ एडगर स्नो दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ बिसाइड एन इंक्रीज इन GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अलावा भी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ होता है। ये एडगर स्नो ने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर दिया। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, द हार्ट ऑफ द मैटर इज द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है बेटे, बड़ी अहम बात है, और वो बात क्या है, द हार्ट ऑफ द मैटर, कि ये जो मामला है इसका असल जो रूह है वो है कि आप खुद गर्जी को दिल से ख़त्म कर दें, खुद गर्जी जो है ये ख़त्म हो जाए, खुद गर्जी सेल्फिशनेस अगर ख़त्म हो जाएगी जब हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे तो फिर तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एवरीवन शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, हर किसी को दूसरों के लिए काम करना चाहिए, यही असूल होना चाहिए। द सीक्रेट ऑफ चाइनाज प्रोग्रेस लाइज इन दिस प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स चाइना की जो प्रोग्रेस है वो यही उसका राज है कि ये सब दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए तो काम करते ही हैं लेकिन साथ में अपने हमसायों के लिए भी काम करते हैं। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स ऑफ पेकिंग परफॉर्मिंग अ डिवोटेड कॉजी पिलग्रमेज इज द मोर न्यूमरस एंड द बटालियंस ऑफ ट्रेडर्स विच गो ट्वाइस ईयरली टू द ट्रेडिशनल कैंटन फेयर। जितने ऑफिशियली तौर पर पेकिंग की सैर करने वाले हैं, यानी पैकिंग में जाके चाइना के सदर से मिलने वाले हैं, कॉजी पिलग्रमेज का मतलब जो लिखा हुआ है नीम यात्रा, तो इसका मतलब यह है सरकारी विजिट, तो वो लोग जो हैं वो अब क्या करते हैं, वहाँ बेशुमार ताजनों से मिलते हैं, कैंटन फेयर वहाँ पे बड़ा मशहूर कैंटन का मेला लगता है। सो 73 ईयर्स ओल्ड चुन लाई विल एंड अप डिसलोकेटिंग हिज राइट हैंड इफ ही गोज ऑन शेकिंग इट एट द प्रेजेंट रेट विद द डेलीगेशंस। चुन लाई जो है वो बेटे प्रेजिडेंट था, और ज़ाहिर है वो जितने भी ताजरों के वफद आएंगे उनसे मिलेगा, और अगर वो सबसे हाथ मिलाता जाएगा तो इतने लोग उससे हाथ मिलाने वाले होंगे, इतने लोग उससे तजारत करने वाले होंगे, इतने फॉरन डेलीगेशन होंगे कि उसका हाथ थक जाएगा और ऐसे लगेगा कि जैसे उसका हाथ उसके कंधे से उतर गया। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है स्टूडेंट्स। सो आज जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कम्युनिज्म की डेफिनेशन क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मूवमेंट रही है किसी दौर में, और चाइना जो है ये अपने आप को एक कम्युनिस्ट मुल्क कहता है, इस तरह रशिया भी अपने आप को कम्युनिस्ट मुल्क कहता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पोलिटिकल आइडिया इन विच वेल्थ एंड पावर आर शेयर्ड इक्वली अमंग ए क्लासलेस सोसाइटी।
कम्युनिज्म एक ऐसी सियासी सोच है जिसमें दौलत और ताकत मुआशरे के तमाम अफराद के दरमियान बराबरी की सतह पर तकसीम किया जाए। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब तबका नहीं है, कोई अलीट क्लास नहीं है। तमाम दौलत और तमाम ताकत इक्वली तौर पर तकसीम की जाती। इन रियलिटी हकीकत में वेल्थ एंड पावर, दौलत और ताकत आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। हकीकत में तो ये हकूमत के पास होती, रियासत के पास होती, लेकिन कम्युनिस्ट ने क्या किया होता है, कम्युनिस्ट टेंड टू हैव लिमिटेड पर्सनल फ्रीडम ड्यू टू लीडर्स सपोर्टेड बाय द मिलिट्री। कम्युनिस्ट के पास फिर बड़ी महदूद शख्सी आज़ादी होती है, क्योंकि फिर लीडर्स जो होते हैं उनको मिलिट्री सपोर्ट करती है। तो आइए स्टूडेंट्स कंक्लूजन देखते हैं कि वो कौन से राज थे जिनकी वजह से चाइना ने तरक्की की। फैक्टर्स एक्सप्लेनिंग द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना इन रीसेंट डेकेड्स। ये बेटे बिल्कुल मैंने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट शामिल किया है, आज के दौर में चाइना ने जो है वो कैसे तरक्की की है। तो पहली बात है लेबर सप्लाई, मजदूर जो हैं वो प्रॉपर मजदूरी वहाँ पे करते हैं और उनको मुकम्मल तौर पर सहूलियात दी जाती हैं, उन पर प्रेशर नहीं रखा जाता, वो बड़े अच्छे हालात में काम करते हैं। वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वेजेस का मतलब है मजदूरी बकायदा प्रोवाइड की जाती है, किसी के लिए कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स जो है, स्टाफ जो है, ऑफिस जो है, काम करने वाला जो है, यहाँ तक जो ज़रात भी है वहाँ फीमेल को साथ साथ रखा जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रांग है वहाँ का, उनकी लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है उनकी, और उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हुए, यानी जैसे आपको बताया था पीछे कम्यून से ही उन्होंने ये आइडिया लिया हुआ इकोनॉमिक जोन का भी, जिससे उनकी इकोनॉमी बहुत तरक्की करती है। और आज सब लोग चाइना के मुल्क होने मिला, हमारा सीपैक भी जो आपको पता है ये मराहल में है, बनने के करीब है, तो चाइना की पाकिस्तान के साथ बेशुमार दोस्ती है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर टुडेज डिस्कशन विद मी, ओके, सी यू इन द लाइव सेशन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अब आप लोग ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर किया करें, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को देख सकें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अस्सलामु अलैकुम, सी यू।